हाय फ्रेंड, इस राजा हियर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। फ्रेंड्स, मैं बैक टू बैक फॉरेक्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको दे रहा हूं और वो भी बिल्कुल सिलसिलेवार में मिल रहा है मेरे दोस्त, वो भी एक बिल्कुल फॉर्मलाइट वे में मिल रहा है मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये है कि लेक्चर 1 में आपको क्या सीखना है, लेक्चर 2 में क्या सीखना है, लेक्चर 3 में क्या सीखना है, लेक्चर 4 में क्या सीखना है, लेक्चर 5 में क्या सीखना है। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है मेरे दोस्त, वो लेक्चर 6 के ऊपर होने वाली है, जिसमें लोग सीखेंगे मेरे दोस्त कि फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट मेरे दोस्त, मतलब फॉरेक्स और स्टॉक में डिफरेंसेस को यहाँ पे समझेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे हर एक चीज़ों को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे पहला पॉइंट लेते हैं मेरे दोस्त टाइम। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए, टाइम के अकॉर्डिंगली देखा जाए मेरे दोस्त, तो फॉरेक्स मार्केट 2400 घंटा 5 दिन ओपन रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त कि मोस्टली लोग जो है जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको जो है दिन में टाइम मिल नहीं पाता मेरे दोस्त, तो उनके लिए जो है इंडियन मार्केट सुटेबल नहीं हो पाता मेरे दोस्त। वैसे सिचुएशन में देखा जाए मेरे दोस्त, तो फॉरेक्स ना काफ़ी परफेक्ट उनके लिए बैठता है, क्योंकि ये 2400 घंटा के लिए ओपन रहता है मेरे दोस्त, 2400 घंटा के लिए ओपन रहता है और सिर्फ सैटरडे एंड संडे को क्लोज रहता है मेरे दोस्त। जो इंडियन मार्केट भी सैटरडे एंड संडे को क्लोज रहता है, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है मेरे दोस्त कि सुबह जो है 9:15 में मार्केट ओपन होता है और शाम को 3:30 में, यानी कि 3:30 बजे क्लोज हो जाता है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए सुबह से लेकर के शाम तक भाई, तो 6 घंटे 15 मिनट के लिए ही इंडियन मार्केट ओपन रहता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट 2400 घंटे के लिए ओपन रहता है मेरे दोस्त। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो लोग जॉब होल्डर है मेरे दोस्त, जो लोग जॉब करते हैं मेरे दोस्त, वैसे लोगों के लिए जो फॉरेक्स यहाँ पे परफेक्ट बैठता है मेरे दोस्त। इसमें वो कभी भी जब भी फ्री हो मेरे दोस्त, वो जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे दोस्त, क्योंकि जब जॉब की टाइमिंग होती है, बिजनेस करने की टाइमिंग होती है, वही टाइम में इंडियन मार्केट भी ओपन होता है। तो इसलिए जो है जॉब होल्डर के लिए, जो ऑलरेडी जो है किसी न किसी जॉब में एंगेज है, किसी न किसी बिजनेस में एंगेज है, उनके लिए जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है मेरे दोस्त। इसलिए वैसे प्राणी के लिए जो किसी न किसी जॉब में एंगेज है, किसी न किसी जॉब में इन्वॉल्व है, किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए फॉरेक्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो जो है 2400 घंटा के लिए ओपन रहता है। जब भी उनको रात में टाइम मिला भाई, रात में चार्ट उन्होंने ओपन किया, एनालिसिस किया, उसके बाद जो है वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे लेवरेज के बारे में। लेवरेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर अगर फॉरेक्स में देखा जाए मेरे दोस्त, तो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है मेरे दोस्त। लेवरेज का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि आपके पास कैपिटल कम है और आप कम कैपिटल से बड़ा कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है मेरे दोस्त, वहाँ पे जो है ज़्यादा आपको लेवरेज मिलता है। मतलब आपको जो है ना, आपके पास अगर 1000 है मेरे दोस्त, तो उस पैसे को मल्टीप्लाई करके आप जो है 100 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो, 200 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो, 300 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्त। ये होता है लेवरेज मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये लेवरेज आपको जो है आपको फॉरेक्स मार्केट में मिलता है, लेकिन इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए मेरे दोस्त, ठीक है, इंडियन मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंट्राडे में आपको जो है थोड़ा मार्जिन मिलता है, मतलब आपको लेवरेज मिल जाता है मेरे दोस्त। अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो, भी ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता मेरे दोस्त। मैक्सिमम जो है 5x आप कर सकते हो, 10x कर सकते हो, और ये हर एक ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग नियम होता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करो मेरे दोस्त, तो मैक्सिमम ब्रोकर वहाँ पे आपको लेवरेज नहीं देते मेरे दोस्त। सपोज कि आपके पास जो है 50,000 रुपये मेरे दोस्त, तो 50,000 से ही आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है लेवरेज नहीं मिलता है मेरे दोस्त। हाँ, इंट्राडे में थोड़ा सा आपको लेवरेज मिलता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रोकर है, ब्रोकर के हिसाब से आपको इंट्राडे में आपको जो है ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहाँ पर आपको जो है 5x का लेवरेज मिल जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए फॉरेक्स के लिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मतलब आपको कम अमाउंट से भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, कम अमाउंट से भी इसमें ट्रेडिंग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है। लेवरेज मतलब अपने कैपिटल को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ब्रोकर से आप उधार ले सकते हो, राइट। उसके बाद हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट। देखो, लेवरेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया मेरे दोस्त, क्योंकि लेवरेज और इन्वेस्टमेंट आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। आपके जो है ना, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे कम है मेरे दोस्त, तब भी आप जो है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है, मतलब अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी आपको ब्रोकर दे देता है मेरे दोस्त, मतलब आपको उधार दे देता है। सपोज कि आपके पास जो है $100 पैसे हैं, तो आप उस $100 से भाई आप $1000 तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, $2000 तक ट्रेड कर सकते हो, $3000 तक ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है भाई ब्रोकर लेवरेज दे देता है, आपको अपने कैपिटल को बूस्टअप करने की कैपेसिटी दे देता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, आपको जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे मेरे दोस्त, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान भी होगा मेरे दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि ये दो धारी तलवार है, मतलब आपको जितना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, उतना ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो। इसलिए लेवरेज आपको सोच समझ करके यूज करना होता है, ठीक है, यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्त और ये बहुत फायदेमंद भी होता है। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है सबसे पहले अगर आप बिगिनर है मेरे दोस्त, आपको छोटे लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करना है, राइट। यही चीज़ें आपको इंडियन स्टॉक स्टॉक मार्केट में देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो है ना आपको एक जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा फंड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप मिनिमम फंड से आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बात किया जाए फॉरेक्स में मेरे दोस्त, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए फंड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तभी आप जो है सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज जो है इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो है यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, मतलब फॉरेक्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वोलेटिलिटी मेरे दोस्त, ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब समझो कि उतार चढ़ाव, ठीक है, मतलब हलचल। फॉरेक्स में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, इससे देखो फायदे भी है, इससे देखो नुकसान भी है मेरे दोस्त, ठीक है। और उतार चढ़ाव मतलब जो हलचल होता है मेरे दोस्त, जो वोलेटिलिटी होता है, और फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडियन मार्केट में भी होता है, लेकिन इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कम होता है मेरे दोस्त, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। और अगर वोलेटिलिटी को देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे एक तरीके से फायदेमंद भी है और दूसरे तरीके से नुकसानदेह भी है मेरे दोस्त। अगर जो है ट्रेडर बेगिनर्स है तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर ट्रेडर जो है एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उन्होंने महारत हासिल कर रखा है मेरे दोस्त, तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि जो है जितना ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा मेरे दोस्त, उतना ही ज़्यादा कम टाइम में पैसे ज़्यादा बनेंगे मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करने नहीं आता मेरे दोस्त, तो आपके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये वोलेटिलिटी का फायदा और नुकसान है। इसके बाद की पॉइंट है मेरे दोस्त लिक्विडिटी। और किसी भी मार्केट में मेरे दोस्त लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो मेरे दोस्त। अगर वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहेगा मेरे दोस्त, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बाई कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो बाई होगा ही नहीं, वो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेल कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो सेल होगा ही नहीं, क्योंकि वो पेंडिंग रहेगा। क्योंकि वो जो है आप जब सेल कर रहे हैं मेरे दोस्त, कोई बायर है ही नहीं, तो ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और देखा जाए फॉरेक्स मार्केट में मेरे दोस्त लिक्विडिटी बहुत हाई होता है, आपका तुरंत के तुरंत जो है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर आप बाई कर रहे हो तो तुरंत बाई हो जाएगा, सेल कर रहे हैं दोस्तों इंस्टेंटली भाई, क्विकली, वेरी क्विकली आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए स्टॉक मार्केट में दोस्तों, यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों। कभी कभी आप ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करते होंगे मेरे दोस्तों, वो पेंडिंग में भी चला जाता होगा, मतलब तुरंत के तुरंत जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त थीटा डीके, टाइम डीके। इसको थीटा डीके भी लोग बोलता है और टाइम डीके भी बोलता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, तो वहाँ पे प्रीमियम क्या होता है मेरे दोस्त? अगर मार्केट साइडवेज में जाता है तो वहाँ पे आपकी जो है ना प्रीमियम घटता रहता है, गलता रहता है। अगर 100 रुपये का आपने प्रीमियम खरीदा है मेरे दोस्त, अगर मार्केट अगर साइडवेज में चला गया तो वो जो है 100 रुपये नहीं रहेगा मेरे दोस्त, वो घटता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए थीटा डीके, टाइम डीके काफी जानलेवा चीज है मेरे दोस्त। वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं थीटा डीके, टाइम डीके से। लेकिन फॉरेक्स में देखा जाए मेरे दोस्त, तो फॉरेक्स में टाइम डीके, थीटा डीके वाली चीजें कुछ चीज नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। आप यहाँ पे बिंदास ट्रेड कर सकते हो। इनकेस अगर मार्केट अगर साइडवेज में भी चला गया मेरे दोस्त, तब भी आपके यहाँ पे लॉसेस नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में लॉस यहाँ पे होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है मेरे दोस्त। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो अगर मार्केट साइडवेज में चला गया तब भी आपकी लॉस होगा, ठीक है। मार्केट आपके खिलाफ चला गया तब भी लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है मेरे दोस्त, अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है मेरे दोस्त कि आपके अगर फेवर में मार्केट नहीं जा रहा, साइडवेज में भी अगर फंसा हुआ मेरे दोस्त, तब भी आपका लॉस नहीं होगा मेरे दोस्त। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त चार्जेज, ठीक है। चार्जेस को अगर देखा जाए मेरे दोस्त, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में चार्जेस बहुत कम लगता है, ठीक है, जैसे ब्रोकरेज चार्ज बोल सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि जब आप वहाँ पे देखते होंगे मेरे दोस्त, जब भी आप अगर आपने फॉरेक्स में ट्रेड किया होगा तो वहाँ पे दो लाइनें चलता है मेरे दोस्त। एक होता है आस्क प्राइस, एक होता है बिड प्राइस। तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है मेरे दोस्त, मतलब बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है मेरे दोस्त, उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो जो इनकी इनकम होती है मेरे दोस्त, ब्रोकरेज की जो इनकम यहाँ मतलब जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है उसकी इनकम मेरे दोस्त, ठीक है, स्प्रेड से ही इनकम होता है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए मेरे दोस्त, ठीक है, तो आपकी स्प्रेड, कमीशन, अदर चार्जेस, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे चार्जेस लगते हैं मेरे दोस्त। तो फॉरेक्स में जो है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट मेरे दोस्त थोड़ी सी चार्जेस कम होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ी सी कम होता है मेरे दोस्त। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मेरे दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। वहाँ पे दो टाइप का एक्सपायरी होता है, एक होता है वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। अगर आपने वीकली एक्सपायरी किया मेरे दोस्तों, वीकली एक्सपायरी के दिन आपको एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो मेरे दोस्त, उस दिन आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप नहीं करेंगे मेरे दोस्त, आपकी ब्रोकर कर देगा और आपको पेनल्टी भी लगा देगा मेरे दोस्त। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको जो है एक्सपायरी होती है, आपको एक्सपायरी के दिन आपको जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, ठीक है, स्टॉक मार्केट के फेवर में काफी लाजवाब है मेरे दोस्त, काफी लाजवाब पॉइंट है वो है वैरायटी मेरे दोस्त, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप जो इंडियन मार्केट में या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में मेरे दोस्त, ठीक है, आप जो है ना डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मेरे दोस्त। हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट हो तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना मेरे दोस्त, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको बॉन्ड में पैसे लगाना मेरे दोस्त, वहां पे भी लगा सकते हो। अगर आप पार्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगाना लगाना चाहते हैं मेरे दोस्त तो वो भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त, और अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं मतलब लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अगर फॉरेक्स में देखा जाए मेरे दोस्त तो आपको ये वैरायटी नहीं मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये भी जो ना फॉरेक्स में जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, वो जो है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से आता है, इन्वेस्टिंग के पर्पज से फॉरेक्स में नहीं आता है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करके यहाँ पे पैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग की बात किया जाए मेरे दोस्त तो इन्वेस्टिंग के लिए द बेस्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त स्टॉक मार्केट। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक जबरदस्त पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात किया जाए मेरे दोस्त तो ट्रेडिंग के नजरिए से फॉरेक्स में ट्रेड करना इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक मार्केट मेरे दोस्त। बाकी ये जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या है। मैंने आपके सामने जो है पॉइंट रखने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा मेरे दोस्त तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम।